सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। अगर आपको वीडियो में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप में से 86% लोग वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इन 86% में से हो तो वीडियो देखने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। भाई आज तो मजा आ गया कंपाउंडर को मार के। तुम्हारी वजह से मैं महाकाल और पैनमैन को बचा पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। कैसा प्रमोशन? अब से तुम पूरा मीरामार संभालोगे। भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे क्यों दे रहे हो, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। ओह माय गॉड, वाओ। थैंक यू भाई मुझे इसके काबिल समझने के लिए, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अरे पगले रुलाएगा क्या, चल अब हम लोग जा रहे हैं रेंगलपुर, तू भी अपनी टीम के साथ हसिंडा चले जा। ठीक है भाई। पैनमैन आज तू वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने तुझे पहली बार देखा था। भाई आपने मुझे सबसे पहली बार कब देखा था? बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। गजब बेइज्जती है। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अरे पहले मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, तू फालतू में सीरियस हो गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अच्छा आई एम सॉरी, चल अब तू अपने घर जा और कोई अच्छा सा कपड़ा पहन के आ जा। तो फिर मेरे परमानेंट आउटफिट का क्या हुआ? उसका तो काम भारी हो गया ना। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मेरा परमानेंट आउटफिट कौन सा होगा। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। जो भी ला रही हो दो लाना। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलो भाई मैं अब चलता हूँ। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 1xBet ने, द ऑफिशियल बेटिंग पार्टनर ऑफ बार्सिलोना। यह एक बेटिंग वेबसाइट है जहां से आप काफी सारी गेम खेलकर काफी पैसा कमा सकते हैं। 1xBet की ऐप और वेबसाइट पे 24/7 लाइव स्पोर्ट्स अपडेट चल रहे हैं। क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट और काफी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से काफी सारी कमाई कर सकते हैं। 1xBet देता है पहले डिपॉजिट पर 100% बोनस, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 100% की जगह 130% बोनस मिलेगा। अभी एक ऑफर चल रहा है नो रिस्क, जहां पर आप पहली बार गेम खेलने पूरी तरह से हार जाते हो तो आपको वहां सारा पैसा रिफंड कर दिया जाता है। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है आपके लिए, तो क्या कर रहे हो दोस्तों, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर रजिस्टर करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। अगर आप UPI से या भीम से पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर रजिस्टर करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। यार मेरी मदद करो, मैं वापस पानी में डूबा पर वापस मेरे वाले वर्ल्ड में नहीं जा पाया। कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर दो यार। हाँ जरूर करेंगे भाई, तब तक आप हमारे मेहमान हो, मजे से रहो। लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे को भी फिर से मैक्स लेवल बनना है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी बदले में। हाँ हाँ हो जाएगा, अगर ग्लोब गेमिंग वाले सभी कैरेक्टर यहाँ भी है तो। हाँ कैरेक्टर्स तो सेम ही होंगे ना दोनों के। तो फिर मैं हेल्प कर पाऊंगा मैक्स लेवल बनने में। मेरे वाले वर्ल्ड में विकेंडी के कासल में एक बाबा था, उस बाबा के साथ तो लड़ाई हो गई थी हमारी, पर वो तुम्हारे वर्ल्ड में है और वो हमारी मदद कर देगा, बहुत सारी जादू की शक्तियां हैं उसके पास। क्या बात है, मजा आएगा फिर तो उस बाबा से मिलने में। तो फिर चलो बाबा के पास चलते हैं। हाँ चलो। अबे अंधा है क्या भोपाड़ी के, जब तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो तू क्यों चलाता है? तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ा है? मुझे नहीं पता कि तू कौन है और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया।
अबे ये तेरा नाम है कि गाली है? बेटा बाप से बदतमीजी नहीं, वरना एक थप्पड़ मारूंगा ना तेरी सारी चर्बी उतर जाएगी। मैं इधर हथकड़ी डाल के बेटे लाऊं मैं, ये मेरे को पीछे से थप्पड़ देगा और मैं ऐसा करूंगा, अरे वाह वाह और एक मार, तेरी माँ को फटक कर इधर ही देगा टाप कर से, समझा? तूने मेरे बंदे को मार के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। चल झूठा, अब बहुत हो गया, अब टपाटप देना ही पड़ेगा। वो देख रेस्त्री का सलमान खान कहाँ, भाईजान भाईजान का। अरे गणेश, मजा आ गया यार गब्बर की फर्स्ट कॉपी की पेटी बना के। आपको अच्छी लगी? अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी। इस बहाने मेरा पैरेलल यूनिवर्स में पहला किल हो गया। हाँ मेरा भी ये वीकेंड में पहला किल था। सही है भाई, अब चलो बाबा के पास चलते हैं, वैसे भी हम बहुत लेट हो गए हैं। हाँ चलो। अब तू कौन है बे? मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। किसी एक का तो हो? नहीं। तू हमारे रास्ते में क्यों आया, तुझे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे पैसे चाहिए। साले तेरे बाप ने भी कभी देखा है ऐसी गाड़ी? आया बड़ा चुराने, चला जा यहाँ से वरना एक लाफा मारूंगा तो पूरी जिंदगी भर भौरे की तरह गोल गोल घूमेगा। चिल्लाओ नहीं, मेरे बाप पे सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। तूने हिम्मत कैसे की मेरे बाप को बीच में लाने की? अब मैं तेरी गलती की सजा तुम सबको देने वाला हूँ, गन्ना चूस के। अबे तू अकेला हम तीनों का क्या उखाड़ सकता है? बेटा मैं तुम तीनों को 3 सेकंड में मार सकता हूँ। अच्छा तो फिर मार के दिखा। तू कहाँ से आया बे? कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, जान तो तुझ में है नहीं और बातें ऐसी कर रहा जैसे कि तू तुर्रम खान है, गन्ना चूस के। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। अच्छा ठीक है, चल आज मैं भी देख लूं कि तू क्या कर सकता है, गन्ना चूस के। तो फिर ठीक है, तैयार हो जा मरने के लिए। आप कौन हो चचा और आपने हमें जिंदा कैसे किया? बाबा जाने मन की बात, मैं वही बाबा हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। चमड़ी बाबा की जय हो, चमड़ी बाबा की जय हो। चमड़ी बाबा की, समझ गए समझ गए, जय हो। पर बाबा आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं? एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। कहाँ चाहिए?
मुझे भी वो स्कीम बता दो जिससे आप सबकी मन की बात जान लेते हो। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अब जल्दी से फेरो को उसकी पावर्स दे दो, मुझे वापस ग्लॉक वर्ल्ड में भी तो जाना है। हाँ अभी दे रहा हूँ। थैंक यू बाबा मुझे मेरी पावर वापस देने के लिए। अब बताओ आपको क्या चाहिए? फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा मैं रेंगलपुर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है बाबा, आपको जब भी हमारी हेल्प चाहिए होगी आप बस हमें एक बार याद कर लेना। हाँ जरूर, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। थैंक यू काला, तेरे वजह से महाकाल को उसकी पावर्स मिल गई। अरे थैंक यू क्यों बोल रहा है, तू तो भाई है अपना, और कभी मन करे ना तो ग्लॉक वर्ल्ड में आना, मैं तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी करूंगा। हाँ भाई एक दिन जरूर आऊंगा, चल अब सामने आके खड़ा हो जा, महाकाल तुझे ग्लॉक वर्ल्ड में भेज देगा। चलो ठीक है भाई। चलो महाकाल अब हम भी चलते हैं। हाँ भाई चलो। भाई आपने तो वीकेंडी में फुल तबाही मचा दिया। अपुन भाई लोग हैं, भाई लोग की तरह रहना मांगता अपुन को, समझा ना? हाँ भाई आपका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अरे बाबा आप यहाँ? हाँ गणेश मैं यहाँ। पर बाबा आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पे तुम सबका शुद्धिकरण करने आया हूँ। शुद्धिकरण? ये कैसा होता है बाबा जी? आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? शुद्धिकरण भाई जी, और क्या? A few moments later. अरे मैं वो शुद्धिकरण की नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण की बात कर रहा हूँ। ओ तो फिर ठीक है, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। तू कौन है बे, और तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम है चमड़ी बाबा, और बाबा जाने मन की बात। जी यहाँ पे बाबा के एंट्री नहीं है, भागो यहाँ से। भस्म कर दूंगा तुझे, ऑलरेडी भस्म इंसान। नहीं जाऊंगा तो तू क्या कर लेगा? मैं करूंगा तो कुछ नहीं, बाकी सात के सात गोली तेरे सर में डाल दूंगा, जिससे तेरे सर का ज्योग्राफी बदल जाएगा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। आई एम सॉरी बाबू। अबे तू मरा कैसे? नहीं ये मैं तुझे बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, चल अब मैं तुझे अपना पावर दिखाता हूँ। बाबा ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरे ही बंदे को मार दिया। क्या ये तुम्हारा बंदा था? हाँ बाबा ये मेरा बंदा था, इसका नाम पेनमैन है। क्या बात कर रहे हो, ये पेनमैन था? हाँ बाबा यही पेनमैन था। लेकिन इसका तो व्हाइट वाला आउटफिट था ना? ये एक लंबी कहानी है, आप डिस्क्रिप्शन से सीजन 3 का मर्ज वर्जन देख लेना, आपको समझ जाएगा। चलो अब जल्दी से पेनमैन को जिंदा कर दो, और उसे कोई अच्छा सा आउटफिट भी दे देना। अच्छा ठीक है अभी करता हूँ। थैंक यू बाबा मुझे जिंदा करने के लिए। चल अब मस्का मत मार और चुपचाप खड़ा हो जा, मुझे तेरा आउटफिट भी बदलना है। ठीक है बाबा। देवा मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। चलो अब यहाँ देखो तुम दोनों। भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये हमारी हेल्प करने आए हैं? तूने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया, जब से आया तब से चमड़ी बाबा के साथ लगा हुआ है। सॉरी भाई गलती से मिस्टेक हो गया। और बाबा आप भी क्या बच्चों ऐसा लड़ रहे थे? माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब ये सब छोड़ो और बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हो? मुझे वीकेंडी में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, जिससे मुझे अकेलापन भी महसूस ना हो और मैं पूरा मन लगा के तपस्या कर सकूं। अच्छा किया बाबा जी आप यहाँ आ गए, मेरे पास एक जगह है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप पूरा मन लगा के तपस्या कर पाओगे। कहाँ है वो जगह? चलो मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। हाँ चलो।
अरे चालू जी, पांडे जी आप यहाँ? हाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो पांडे जी, क्या बात करनी है? मुझे दरअसल आपको एक वार्निंग देनी है। कैसी वार्निंग? मैं कुछ समझा नहीं। एनसीबी वाले कल पूरे वीकेंडी में रेड मारने वाले हैं। हाँ तो मरने दो उन्हें। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं वहाँ जाके चरस गांजा मारता हूँ। आप नहीं, मगर आपका बेटा तो मारता है ना, इसलिए संभाल लो उसे वरना देर हो जाएगी और आपका इलेक्शन जीतने वाला सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ, अभी आप जाओ। मकबूल, तुम अभी के अभी वीकेंडी जाओ और मुन्ना को यहाँ लेके आओ। ठीक है भैया जी। तुम यहाँ क्यों आए हो बे? हम आपको लेने आए हैं। मैं कहीं नहीं आ रहा, चलो जाओ यहाँ से। भैया जी आपको आना ही होगा क्योंकि कालीन भैया ने आपको बुलाया है। हमने एक बार बोल दिया ना कि हम नहीं आ रहे तो बस बात खत्म। अब फालतू में हमारा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हेलो कालीन भैया। हाँ मकबूल, बोलो क्या हुआ? मुन्ना भैया हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। क्या बोला मुन्ना ने? वो बोले कि हमने एक बार बोल दिया ना कि हम नहीं आ रहे तो बस बात खत्म, अब फालतू में हमारा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम वहीं रुको, मैं अभी उसे फोन करके बाहर भेजता हूँ। ठीक है भैया जी। हेलो मुन्ना। कौन बोल रहा है बे? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ बदतमीज। बेटा मेरे बाप का नाम कालीन है, बदतमीज नहीं। लगता है तूने अपने बाप को कॉल लगा दिया है क्योंकि तेरा बाप मैं हूँ। बिशु चोमू लड़के हो तुम, मैं कालीन ही बोल रहा हूँ तुम्हारा बाप। अरे पापा जी आप हो क्या? मुझे लगा कोई मेरी मजे ले रहा है इसलिए मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। चलो अब ये सब छोड़ो और जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है पापा जी, अभी आया। क्या हुआ भैया जी, किसका कॉल था? तुम्हारे दादा का कॉल था भोपाड़ी के। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे बहले हमारे पापा का कॉल था, उन्होंने हमें घर बुलाया है। तो फिर अभी आप घर जाओगे क्या? नहीं, तुम्हारे अम्मा के साथ पिकनिक जाएंगे। क्या भैया जी आप भी हमेशा मेरी लेते रहते हो। अच्छा सुनो, अब हम जा रहे हैं अपने घर, तुम लोग भी थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाना। ठीक है भैया जी। तुम अभी तक यही हो बे, घर नहीं गए? आपको लिए बगैर कैसे जा सकते थे? इसका मतलब तुम ही ने पापा जी को कॉल करने बोला होगा ना? हाँ भैया जी आप नहीं आ रहे थे तो इसलिए हमने कालीन भैया को कॉल करके सब बता दिया और फिर उन्होंने आपको कॉल किया। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। सॉरी भैया जी। अब जो हुआ सो हुआ, चलो अब जल्दी से पापा जी के पास चलते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ पापा, आपने मुझे ऐसे इमीडिएट क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा जी बोलो ना, क्या बात करनी है? आज से तुम कभी भी वीकेंडी नहीं जाओगे क्योंकि कल एनसीबी वाले पूरे वीकेंडी में रेड मारने वाले हैं। लेकिन पापा एक वही तो जगह है जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पता है तुम वहाँ टाइम स्पेंड करने नहीं बल्कि नशे करने जाते हो, इसलिए आज से तुम्हारा वीकेंडी जाना बंद। मगर पापा आप एनसीबी वालों से इतना क्यों डर रहे हो? आप तो कालीन भैया हो, द किंग ऑफ लिविंग लोग। बेटा मैं डर नहीं रहा, मैं तुम्हें वीकेंडी जाने से इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने रूल फॉलो किए तो मैं लोगों को एक एग्जांपल दे पाऊंगा कि रूल सबके लिए सेम होते हैं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जिसे हम लोगों का ट्रस्ट और वोट्स जीत सके। लेकिन पापा मैं ही हमेशा बलि का बकरा क्यों बनता हूँ? क्योंकि तुम प्रचंड चोमू लड़के हो। अब चुपचाप अपने रूम में जाओ और इलेक्शन के प्रचार की तैयारी करो। हेलो इब्बू। हाँ मुन्ना भैया बोलो क्या हुआ? इब्बू तुम लोग वीकेंडी से आ गए हो ना? हाँ हम लोग जस्ट अभी आए, आपको कुछ काम था क्या? क्या बताओ इब्बू, एक तो पहले से ही कंपाउंडर के मरने की खबर सुन के मेरा दिमाग खराब था और ऊपर से अब पापा ने भी मेरा वीकेंडी जाना बंद कर दिया। मगर कालीन भैया ने आपको वीकेंडी जाने से मना क्यों किया? वो सब मैं तुझे मिल के बताऊंगा, तू अभी अपने बंदे को तैयार कर, हम लोग आज ही रेंगलपुर जाके उस गणेश गायतुंडी की खबर खोदेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मैं अभी सबको तैयार करता हूँ।
क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं पापा जी। तो फिर तुम फोन में किससे बात कर रहे थे? किसी से तो नहीं। मेरे सर पे सी लिखा है क्या? पता नहीं पापा जी, आप एक काम करो, अपना हेडगियर उतारो, फिर मैं देख के बताता हूँ। विशुद्ध चोमू लड़के हो तुम, चुप रहो। मैंने तुम्हें कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था, अब चुपचाप बताओ कि तुम किसको मारने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे पापा, मैं मारने की नहीं बल्कि अपने दोस्तों से मिलने की प्लानिंग कर रहा था। मैं मानता हूँ तुम चोमू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको अपनी तरह चोमू समझोगे। मारने और मिलने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और मैंने अच्छे से सुना है तुम मारने की ही प्लानिंग कर रहे थे। पापा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, मैं अपने दोस्तों से मिलने की प्लानिंग कर रहा था। बेटा अगर तुमने कोई कांड किया ना जिसके वजह से मेरा सीएम बनने का सपना टूट जाएगा, तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। आप क्या मुझे घर से निकालोगे? मैं खुद ही जा रहा हूँ घर छोड़ के। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ गए सारे बंदे? एक काम करता हूँ, वाटरफॉल जाके देखता हूँ, ये सब लोग जरूर वहीं पी के टल्ली हो गए होंगे। कौन हो बे तुम लोग और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? The name's Bond. James Bond. My name is Daddy. Daddy? हाँ बोलो बेटा। अबे साले। हाँ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों विलन है तू? ए खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों मदारी है तू? मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों विधवा है तू? अब बहुत हो गया, अब टपाटप देना ही पड़ेगा। रुको जरा सबर करो। महाकाल पेल दो इन दोनों को। कौन से स्टाइल में पेलू भाई? अरे वही तुम्हारा पुराना वाला टिकटॉक स्टाइल। हाँ मगर उसमें कौन सा स्टाइल? अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है क्या? हाँ भाई इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। तो फिर तुम इसे करण जोकर की स्टाइल में पेलो। अरे भाई वो खुद पीला हुआ है, उसका कोई स्टाइल नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम इसे अमरीश पुरी के स्टाइल में पेलो। ठीक है भाई। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे गणेश महाकाल के पास तो गजब की पावर्स हैं। हाँ बाबा इसलिए तो वो मेरा सबसे खास बंदा है। काश ऐसी पावर्स मेरे पास भी होती। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आपके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी पावर्स है, आपको और कितनी पावर्स चाहिए? अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। चमड़ी बाबा की जय हो, चमड़ी बाबा की जय हो। हाँ हाँ हाँ। चमड़ी बाबा की समझ गए, समझ गए। बाबा आपने बताया नहीं आपको ये जगह कैसी लगी? मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, यहाँ मैं पूरा मन लगा के तपस्या कर सकता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो फिर चलो अब हम चलते हैं। ठीक है गणेश, संभाल के जाना। क्या हुआ भैया जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो मुन्ना अभी तक घर नहीं आया ना, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। अरे भैया जी बस इतनी सी बात, मुन्ना भैया बच्चे थोड़ी हैं, वो आ जाएंगे घर, आप टेंशन मत लो। नहीं मकबूल, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है और वो घर छोड़ने की धमकी दे के गया है, इसलिए मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अच्छा ठीक है भैया जी, मैं मुन्ना भैया को ढूंढने जाता हूँ, आप टेंशन मत लो। हाँ जल्दी जाओ। तू? मैं नहीं तू। हाँ मैं हूँ तू। सिर्फ सवाल का जवाब देते जा, कौन है तू? अभी तो बताया तुम्हें। क्या बहरा है तू? नहीं तू अंधा है। बुड्ढे मैं अंधा नहीं, तू है। यही तो मैंने अभी कहा। तूने अभी क्या कहा? मैंने क्या नहीं, मैंने तू कहा। बता रहा है कि नहीं तू? तू बता तो रहा है। तू चुप बैठ। तू होता कौन है बे मुझे चुप करने वाला? तू मुझे नहीं पहचानता? नहीं। अबे मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है।
हंसता क्या है बे, रुक तुझे मैं अपनी फैन फॉलोइंग दिखाता हूँ। हाय भाई लोग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप लोग उसको जानते हो, इब्बू भाई? मैं तो जानता हूँ यार, जबरदस्त वीडियो बनाता है यार। आप जो पॉपुलर क्रिएटर टिकटॉक वाले सबको बांटे फिर रहे हो ना, उसको दे दो। मतलब सोचेंगे, बोलने देखने वाले भी सोचेंगे यार सही बंदे को मिला है यहाँ, लगता है यार यहाँ, जब उसका वीडियो देखता हूँ। सच में यार, कोई मिलवा दो उसके सेटिंग है तो, कोई यार मिलवा दो प्लीज। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। साले तुझे पता भी है तू कहाँ खड़ा है और किससे बात कर रहा है? मुझे नहीं पता, चल तू ही बता दे मैं कहाँ खड़ा हूँ और किससे बात कर रहा हूँ। अबे तू मुन्ना भैया के घर के बाहर खड़ा है और तू उनके लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है। ओ तो फिर तू मुन्ना के धोने के काम आता होगा। रुक अभी तेरी सारी चर्बी उतारता हूँ, पहले तू मुझे ये बता कि तेरा नाम क्या है। मेरा नाम कालिन है, द किंग ऑफ लिविंग क्लोक। भैया मेरा मुंह निकल गई, क्या बताऊँ, मैं धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा भगवान। ये सब छोड़ और मुझे बता कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग यहाँ मुन्ना भैया से मिलने आए हैं। बेटा तुझे पता है ना मुझे झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद, चल अब चुपचाप बता कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मुन्ना भैया ने मुझे कॉल करके बोला था कि बंदे तैयार करो, हम आज ही इरेंगलपुर जाएंगे गणेश गायतोंडे को मारने, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। सुनो बे चमन जिंगूर, अगर तुम लोग में से कोई भी मुन्ना के साथ इरेंगलपुर जाएगा तो मैं तुम लोग के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है भैया जी, हम में से कोई भी इरेंगलपुर नहीं जाएगा। ये हुई ना बात, चलो अब तुम लोग अपने घर जाओ। हेलो इब्बू। हाँ मुन्ना भैया बोलो। तूने क्या बोला पापा को? किसके पापा को? अबे मेरे पापा को। मैं उनको क्या बोलूंगा? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तूने उनको क्या बोला। मेरे उनसे बात ही नहीं हुई है तो मैं उनको कैसे कुछ बोल सकता हूँ। भोपाड़ी के कितना झूठ बोलेगा, मैंने तुझे पापा से बात करते हुए देखा था। आई एम सॉरी भैया जी प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। आई एम सॉरी भैया जी प्लीज मुझे माफ कर देना। अबे तू कब से एक ही बात रटे जा रहा है। अच्छा एक काम कर, तू मुझे अपने अड्डे पे मिल, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है भैया जी। अरे मुन्ना भैया तो यहाँ नहीं है और ना ही उनका कोई बंदा है यहाँ, अब क्या करूँ। चलो एक काम करता हूँ, कालिन भैया को कॉल करके सब बता देता हूँ। हेलो कालिन भैया। हाँ मकबूल बोलो, मुन्ना के बारे में कुछ पता चला? वही बताने के लिए हमने आपको कॉल किया है। तो फिर जल्दी से बताओ कि मुन्ना कहाँ है। मैं अभी मुन्ना भैया के अड्डे पे हूँ और वो यहाँ नहीं है। क्या बात कर रहे हो, अगर मुन्ना वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? मैं सच बोल रहा हूँ भैया जी, यहाँ वो तो क्या उनका कोई भी बंदा नहीं है। उसके बंदे होंगे भी कैसे, वो लोग यहाँ आके मुझे धमकी दे रहे थे। पर वो लोग आपको धमकी क्यों दे रहे थे? तुम खुद ही देख लो। तू? मैं नहीं, तू? हाँ मैं हूँ तू। सिर्फ सवाल का जवाब देते जा, कौन है तू? अभी तो बताया तुम्हें। क्या बहरा है तू? नहीं तू अंधा है। बुड्ढे मैं अंधा नहीं, तू है। यही तो मैंने अभी कहा। तूने अभी क्या कहा? मैंने क्या नहीं, मैंने तू कहा। बता रहा है कि नहीं तू? तू बता तो रहा है। तू चुप बैठ। तू होता कौन है बे मुझे चुप करने वाला? तू मुझे नहीं पहचानता? नहीं। हमें जल्दी से मुन्ना को ढूंढना होगा वरना वो बावला इरेंगलपुर चला जाएगा गणेश गायतोंडे को मारने के लिए। हाँ भैया जी आप सही बोल रहे हो। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी विकेंडी में मुन्ना भैया के अड्डे पे हूँ। अरे तुम अभी तक वहीं हो? हाँ भैया जी। चलो पहले तुम जल्दी से लिविंग क्लोक आ जाओ क्योंकि एनसीबी वाले वहाँ आते ही होंगे रेड करने। ठीक है भैया जी। अरे मुन्ना भैया आप आ गए। क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। चल अब ये सब छोड़ और मुझे बता कि तू मेरे साथ इरेंगलपुर क्यों नहीं आ रहा है। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ।
बेटा मेरे सर पे सी लिखा है क्या? पता नहीं भैया जी, आप एक काम करो, अपना हेडगियर उतारो, फिर मैं देख के बताता हूँ। अबे एक सेकंड, ये तो मेरा डायलॉग है। वो दरअसल पायरो ने मुझे गलती से आपका स्क्रिप्ट दे दिया था और ये डायलॉग मुझे बहुत कूल लगा, इसलिए मैंने आपका डायलॉग आप ही के ऊपर चिपका दिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। देख इबू, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, अगर तूने एक और बार झूठ बोला ना तो मैं तुम सबकी खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। अब मैं क्या बताऊं भैया जी, आप खुद ही देख लो। साले तुझे पता भी है तू कहाँ खड़ा है और किससे बात कर रहा है? मुझे नहीं पता, चल तू ही बता दे मैं कहाँ खड़ा हूँ और किससे बात कर रहा हूँ। अबे तू मुन्ना भैया के घर के बाहर खड़ा है और तू उनके लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है। ओ तो फिर तू मुन्ना के धोने के काम आता होगा। रुक, अभी तेरी सारी चर्बी उतारता हूँ। पहले तू मुझे ये बता कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कालीन है, द किंग ऑफ लिविक लोक। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं, मैं धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा भगवान। ये सब छोड़ और मुझे बता कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग यहाँ मुन्ना भैया से मिलने आए हैं। बेटा तुझे पता है ना मुझे झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद, चल अब चुपचाप बता कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मुन्ना भैया ने मुझे कॉल करके बोला था कि बंदे तैयार करो, हम आज ही इरेंगलपुर जाएंगे गणेश गायतोंडे को मारने, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। सुनो बे चमन जिंगूर, अगर तुम लोग में से कोई भी मुन्ना के साथ इरेंगलपुर जाएगा तो मैं तुम लोग के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है भैया जी, हम में से कोई भी इरेंगलपुर नहीं जाएगा। ये हुई ना बात, चलो अब तुम लोग अपने घर जाओ। इसका मतलब तू मेरे साथ नहीं आएगा? मैं आना तो चाहता हूँ, पर अगर कालीन भैया को पता चल गया कि मैं आपके साथ इरेंगलपुर आया हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ठीक है, मैं अकेले ही इरेंगलपुर जाके उस गणेश गायतोंडी की कब्र खोदूंगा। भैया जी मेरी मानो तो आप भी मत जाओ, हम कुछ दिन बाद चलेंगे इरेंगलपुर। कुछ पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? चल अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। चालू जी, पांडे जी आप यहाँ? हाँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो पांडे जी, क्या बात करनी है? आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है बताओ? इलेक्शन में बबलू पंडित नाम का एक लड़का खड़ा हुआ है। अरे चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, इलेक्शन में कितने लोग खड़े होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे सबसे डरना चाहिए। और रही बात वोट्स की, तो मेजोरिटी वोट्स मुझे ही मिलने वाले है। बस यही तो आपकी गलत फहमी है, वो लड़का इरेंगलपुर स्कूल से खड़ा हो रहा है और आपको भी पता है इरेंगलपुर का पॉपुलेशन लिविक लोक से 3 गुना ज्यादा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि मेजोरिटी वोट्स किसको मिलेंगे। इतनी बड़ी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया, जब से आया हूँ तब से बस चालू जी पांडे जी कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब आप जाओ, मैं उस बबलू का कुछ करता हूँ। अब उस बबलू का क्या करे भाई? करना क्या है, टपका देते हैं उसे। अरे नहीं भाई, इससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बता? एक काम करते हैं, बबलू से बात करके देखते हैं, क्या पता वो हमारी बात मान ले। अगर नहीं माना तो बॉय तो फिर तुम अब इरेंगलपुर जाओ और बबलू को यहाँ लेके आओ। ठीक है भाई। अरे बाबू मुशाय, कौन हो आप? मैं आपको इरेंगलपुर में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ मैं इरेंगलपुर में पहली बार आया हूँ। वैसे कहाँ से हो आप? मैं लिविक लोक से हूँ। बहुत अच्छा गाँव रहने का, वहाँ का लोग गुड़ की तरह मीठा मीठा होने का। जी वो तो है, पर आप यहाँ किससे मिलने आए हो? मैं यहाँ बबलू पंडित से मिलने आया हूँ, क्या आप मुझे उसके घर का एड्रेस बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं, वो पूछेंगे कि चर्च के सामने वाले ट्रिपल स्टोरी के सामने वाले स्क्वाड हाउस में रहता है। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ।
कौन हो तुम? मेरा नाम मकबूल है। लेकिन मकबूल तुम यहाँ क्यों आए हो? कालीन भैया को तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। अरे कालीन भैया तो वही है ना, द किंग ऑफ लिविंग लोग। हाँ ये वही है, पर उनको मुझसे क्या बात करनी है? ये तो तुम्हें वहीं जाके पता चलेगा। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ चलो। भैया जी यही है बबलू पंडित। ओ तो तुम हो बबलू पंडित। हाँ भैया मैं ही हूँ बबलू पंडित। मैंने सुना है कि तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने जा रहे हो। शुक्रिया भैया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? तुम हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, जिसे तुम्हें एक्सपीरियंस गेन होगा और तुम्हारे जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सॉरी भैया जी मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा लेकिन खुद की पार्टी बनाकर। बाय द वे थैंक यू मुझे इस ऑफर के लायक समझने के लिए। ठीक है बेटा जैसा तुम्हें ही लगे। चलो भैया जी अब मैं चलता हूँ। मकबूल तुमने वो कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते? हाँ भैया जी बचपन में सुना था। तो फिर आज लाइव एग्जांपल देख के कैसा लग रहा है? मैं कुछ समझा नहीं भैया जी। इसमें समझने वाली क्या बात है, अब हमें प्लान बी एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन प्लान बी क्या है? वो मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। भैया जी अब तो पार्ट 5 भी आ गया, लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि प्लान बी क्या है। रुको जरा सबर करो। बता रहा हूँ भाई थोड़ा सबर कर। वो क्या है ना भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्लान सुनने के लिए, इसलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा ठीक है चलो प्लान सुन। हाँ भैया जी बोलो। प्लान ये है कि मुन्ना अपने दोस्त इब्बू को इरेंगलपुर भेजेगा बबलू को मारने के लिए, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और हम पे किसी को शक भी नहीं होगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन हमें तो पता नहीं है कि मुन्ना भैया इस वक्त कहाँ है। हमें नहीं पता, लेकिन इब्बू को तो पता होगा ना कि मुन्ना इस वक्त कहाँ होगा। मस्त प्लान है। तो फिर तुम अब जल्दी से एक्वाडक्ट जाओ, क्योंकि मुन्ना अपने बंदों को वहीं रखता है। ठीक है भैया जी। और हाँ आते वक्त कैसे भी करके अपने साथ मुन्ना को लेके आना। हाँ भैया जी मैं मुन्ना भैया को अपने साथ लेके ही आऊंगा। ये हुई ना बात, चलो अब तुम जाओ। कौन है बेतू? तेरा बाप हूँ मैं। बेटा तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जबान लड़ाने की? तू जबान लड़ाने की बात कर रहा है? मैं चाहूँ तो तेरी शॉर्ट, मेरा मतलब है सात कर से एक लाफा भी लगा सकता हूँ। वाह बेटे वाह, बाप से बदतमीजी। बेटा अब तू फिर से अपने बाप के साथ बकलोली कर रहा है। फिर से कैसे, मैं तो आज तुझे पहली बार देख रहा हूँ। लगता है तू मुझे नहीं जानता। तू किधर का डॉन है क्या जो मैं तुझे जानूंगा? चल मैं तुझे एक हिंट देता हूँ, मैं कालीन भैया का सबसे खास बंदा हूँ। अरे मकबूल भाई आप क्या बात है बेटा, तूने मुझे पहचान लिया? अरे भाई मैंने तो आपको पहले ही पहचान लिया था, वो बस मैं आपके साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। चल अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बता कि मुन्ना भैया यहाँ आए थे? नहीं मुन्ना भैया तो यहाँ नहीं आए थे। अब तो सच बोल दे। आई एम सॉरी भैया, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा, बस आप मुन्ना भैया को कुछ मत बताना। हाँ नहीं बताऊंगा। चल अब जल्दी से बता कि मुन्ना भैया कहाँ है। मुझे नहीं पता कि मुन्ना भैया इस वक्त कहाँ है, लेकिन वो अभी 2 घंटे पहले ही यहाँ आए थे। फिर तो तेरी उनसे बात हुई होगी? हाँ हुई थी। क्या बोले वो? वो मुझे अपने साथ इरेंगलपुर बुला रहे थे गणेश गायतोंडे को मारने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तू सच बोल रहा है ना? माँ कसम भाई मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है चल अब मैं चलता हूँ, अगर मुन्ना भैया यहाँ आए तो उन्हें बोलना कि कालीन भैया उन्हें बुला रहे हैं। ठीक है भाई।
अरे मुन्ना भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? मकबूल मुझे एक बात बताओ। क्या भैया जी? क्या ये जगह तुम्हारे बाप की है? नहीं भैया जी। तो फिर तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो? अरे नहीं भैया जी आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तेरे कहने का कोई भी मतलब हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अभी तू यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। देख मकबूल अभी मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे और तू यहाँ से चला जा। आई एम सॉरी भैया जी, पर मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाने वाला, क्योंकि कालीन भैया ने मुझे बोला है कि आते वक्त कैसे भी करके मुन्ना को अपने साथ लेके आना। अच्छा ठीक है बाबा मैं आ रहा हूँ तेरे साथ, लेकिन पहले मुझे ये बता कि तूने अपना हेडगियर कब चेंज किया? अरे भैया जी मैंने कोई हेडगियर चेंज नहीं किया, मेरा हेडगियर यूवी एक्टिवेटेड है जो सनलाइट में चेंज होता है। ओ तो इसलिए मुझे तुम्हारा हेडगियर अलग लग रहा है। हाँ भैया जी। साला गजब टेक्नोलॉजी है। जी भैया जी अब सब कुछ एडवांस हो गया है। खैर चलो अब घर चलते हैं। हाँ भैया जी चलो। मुन्ना कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। कहीं नहीं, वो बस मैं ऐसे ही रास्ते पे भटक रहा था। आई एम सॉरी मुन्ना, मैंने तुम्हें उस दिन बहुत सुना दिया। अरे पापा जी आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये तो मेरा रोज का है। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ एक काम था, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्या काम है पापा जी जल्दी बताओ। इरेंगलपुर वाले बबलू पंडित को जानते हो? हाँ वो तो मेरा ही क्लासमेट है, लेकिन क्या हुआ पापा जी, उसने आपको कुछ बोला क्या? अब मैं क्या बताऊँ तुम खुद ही देख लो। ओ तो तुम हो बबलू पंडित? हाँ भैया मैं ही हूँ बबलू पंडित। मैंने सुना है कि तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने जा रहे हो। शुक्रिया भैया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? तुम हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, जिसे तुम्हें एक्सपीरियंस गेन होगा और तुम्हारे जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सॉरी भैया जी मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा लेकिन खुद की पार्टी बनाकर। बाय द वे थैंक यू मुझे इस ऑफर के लायक समझने के लिए। ठीक है बेटा जैसा तुम्हें सही लगे। चलो भैया जी अब मैं चलता। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको मना करने की? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका गेम बजा दो। ठीक है पापा जी मैं अभी रंगलपुर जाके उसे मार के आता हूँ। नहीं नहीं तुम उसे नहीं मारोगे, तुम्हारा दोस्त इब्बू उसे मारेगा। पर मैं बबलू को क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने बबलू को मारते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे मेरा इलेक्शन का टिकट भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा ठीक है पापा जी मैं समझ गया, चलो मैं चलता हूँ। क्या बात है मुन्ना, आज तू मेरे घर पे कैसे आया? क्यों मैं नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है भाई, लेकिन अगर तूने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तू मुझसे मिलने आ रहा है तो मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देता। चल छोड़ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अब तुझे पेलने ही वाला हूँ। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं बल्कि तेरा गेम बजाने आया हूँ। पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरे पापा को मना कैसे किया? ओ तो तेरे बाप ने तुझे यहाँ भेजा है? चिल्लाओ नहीं। बहुत बकवास कर लिया तूने, अब तैयार हो जा मरने के लिए। बेटा जो तू आज मेरे साथ करेगा वो कल तेरे साथ भी होगा, ऐसा मैं नहीं ऐसा कर्मा बोलता है। मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगा, तू मेरा टेंशन मत ले। चल अब मिलते अगले जन्म में। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। ला 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 ला। अरे उस बंदे ने तो बबलू भैया को मार दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं गुड्डू भैया को जाके बता देता हूं। च
चालू जी, पांडे जी, आप यहाँ? हाँ, आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है बताओ? आपके बेटे ने रैंगलपुर में बवाल मचा दिया। क्या किया मुन्ना ने? उसने बबलू पंडित को उसी के घर में मार दिया। पांडे जी, आप सटिया गए हो क्या? मुन्ना बबलू को क्यों मारेगा? कालीन भैया, ये बात तो आपको भी पता है और मुझे भी कि मुन्ना ने बबलू को क्यों मारा, इसलिए मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मुन्ना ने बबलू को मार दिया? मुझे मेरे एक सोर्स से पता चला। अच्छा ठीक है, अभी आप जाओ, मैं कुछ करता हूँ। हेलो मुन्ना। हाँ पापा बोलो। बेटा तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी इब्बू के साथ उसके घर पे हूँ। वैसे इब्बू ने बबलू का गेम बजाया कि नहीं? हाँ पापा, इब्बू ने बबलू का काम तमाम कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है पापा। क्या हुआ जपलू, तू इतना हाँप क्यों रहा है? भाई वो? वो क्या? भाई उसने बबलू भैया को मार दिया। किसने मारा बबलू को? पता नहीं भाई। तू भांग पी के आया है क्या? कभी बोलता है उसने बबलू को मार दिया और कभी बोलता है कि तुझे पता ही नहीं किसने मारा बबलू को। वो भाई हुआ यूं। अरे उस बंदे ने तो बबलू भैया को मार दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, गुड्डू भैया को जाके बता देता हूं। जिसने भी मेरे भाई बबलू को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। और अगर आप लोग को वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।